Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वह है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जिसे हम एमएसए कहते हैं। उसको हम एक्चुअली में प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि किस तरह से एमएसए में आर एंड आर वैल्यू का कैलकुलेशन होता है। इसके पहले आप डाटा लेते थे और एक आपके कंप्यूटर पर फॉर्मेट होता था और उसमें आप फीड करते थे सभी डाटा को और ऑटोमेटिक वह कैलकुलेशन होकर निकल के आता है। वह तो सही है, लेकिन एक्चुअली में क्लियर कंसेप्ट करने के लिए खुद अपने हाथों से एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए, फिर आपको देखिए कि किस तरह से एमएसए में कैलकुलेशन करने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 5 कोर टूल होते हैं। कौन कौन सा? एपीक्यूपी, पीपैप, एमएसए, एसपीसी और एफएमए। तो दोस्तों, ये 5 कोर को हमने ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं। हमने आपका लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। इसी 5 कोर टूल में एमएसए भी है, जिसे आज हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ वेरिएशन जो मेजरमेंट सिस्टम में दो तरह का जनरली होता है। एक होता है इक्विपमेंट वेरिएशन। जो वेरिएशन इक्विपमेंट के चलते होता है उसे हम इक्विपमेंट वेरिएशन कहते हैं। इसे हम रिपीटेबिलिटी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि यदि वन ऑपरेटर किसी सेम गेज या इक्विपमेंट से सेम पार्ट को, सेम कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन को रिपीटेडली अगर मेजर करता है, कई बार चेक करता है और जो वेरिएशन उसमें आता है उस वेरिएशन को हम इक्विपमेंट वेरिएशन कहते हैं। दूसरा है अप्रेजर वेरिएशन। वह वेरिएशन जो इंस्पेक्टर जो या ऑपरेटर चेक करने के चलते होता है, ऐसे वेरिएशन को हम अप्रेजर वेरिएशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑपरेटर्स सेम गेज से सेम पार्ट को, सेम कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन को चेक करता है और जो वेरिएशन मिलता है उसे हम अप्रेजर वेरिएशन कहते हैं और इसे हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर भी कहते हैं। दोस्तों, कभी भी आप वेरिएबल गेज आर एंड आर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो आप 4-5 बातों को बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान देना है। सबसे नंबर 1, ये मैक्सिमम ऑफ 2 और मोर ऑपरेटर होना चाहिए। यानी कहने के मतलब कम से कम 2 या उससे ज़्यादा ऑपरेटर लेकर के आप आर एंड आर वैल्यू निकालने की डायमेंशन चेक करने कीजिए तो वो सही आएगा। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा 3 ऑपरेटर्स को लेकर के जो हम एडिक्वेट स्टडी करने जा रहे हैं। नंबर 2, एटलीस्ट 10 पार्ट्स रिक्वायर्ड। यानी कि कम से कम आप 10 पार्ट आपको लेना जरूरी है और वह 10 पार्ट इस तरह से सेलेक्ट कीजिए कि जो पूरा टॉलरेंस के रेंज को क्वालिफाई करता हो। कहने का मतलब यह कि यदि सपोज एग्जांपल कि यदि कोई डायमेंशन है 10 mm और उसका टॉलरेंस दिया हुआ है प्लस माइनस 0.1 mm, तो आपको इस तरह से पार्ट को सेलेक्ट करना है जो कि मिनिमम वाला भी हो, यानी कि 9.90 भी है, और मैक्सिमम वाला भी पार्ट हो, बॉर्डर पर हो, जैसे कि 10.1 का भी हो, तब जाकर के आपका सही वैल्यू आएगा आर एंड आर का। इसमें 10 पार्ट आपको लेना जरूरी है। और दूसरी बात इसमें और ध्यान देना है कि आप जो पार्ट ले रहे हैं और उसको जो आप चेक करवाएंगे तो कम से कम 2 या 2 से 12 आपको एक पार्ट को चेक करवाना है। मैंने एग्जांपल पे एक पार्ट को हमने 3 बार हम चेक करेंगे यहाँ पे। तीसरी जो बात ध्यान देने वाली है कि ऑपरेटर शुड मेजर पार्ट्स इन रेंडम ऑर्डर। यानी कि जो भी आप पार्ट चेक करने के लिए उसको दीजिए वो रेंडम ऑर्डर में होना चाहिए। रेंडम ऑर्डर किसे कहते हैं? ऑपरेटर को यह पता नहीं होना चाहिए कि कौन सा सीरियल नंबर कब उसने चेक कर रहा है। इससे क्या होगा, क्योंकि यदि उसको सीरियल नंबर पता चल जाएगा तो ऑपरेटर जो है वह रीडिंग को याद करने की कोशिश करेगा और यह वह बताएगा जो पहली बार उसने नंबर 1 को बताया था, नंबर 2 को जो पहली बार में बताया था। तो इसीलिए इसके लिए करना क्या चाहिए, एक्चुअली में पार्ट को सीरियल नंबर लिख लीजिए सबसे पहले और उस सीरियल नंबर लिखे हुए को आप हाइड कर दीजिए, कोई स्टिकर लगा दीजिए आपके सिवा उस सीरियल नंबर को ऑपरेटर न जानता हो। और चौथी जो बात है कि एडिक्वेट
सेंसिविटी ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि हम इक्विपमेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों यह टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो पार्ट का आप टॉलरेंस चेक करने जा रहे हैं, डायमेंशन चेक करने जा रहे हैं, और उसका जो टॉलरेंस है उसका जो दसवां भाग इक्विपमेंट का लिस्ट काउंट होना चाहिए। यानी कि सपोज यदि कोई पार्ट है जिसका टॉलरेंस दिया हुआ है प्लस माइनस 100 माइक्रोन, तो जो आप इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे वह उसका लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन यानी 100 का दसवां भाग आपका 10 होगा, उसका जो टॉलरेंस लिस्ट काउंट होना चाहिए 10 होना चाहिए। ठीक उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए कि यदि कोई डायमेंशन का टॉलरेंस 10 माइक्रोन है तो जो गेज या आप इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे वह 1 माइक्रोन टॉलरेंस का होना चाहिए। इसे हम 10:1 रूल भी कहते हैं। और जो पांचवी बात और लास्ट यह समझने वाली बात है कि जो भी आप पार्ट ले रहे हैं वह प्रोसेस का जो कॉमन काउज ऑफ वेरिएशन वाला होना चाहिए, स्पेशल काउज ऑफ वेरिएशन नहीं होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस होता है उसमें दो तरह का वेरिएशन देखने को मिलता है, एक होता है कॉमन काउज ऑफ वेरिएशन और दूसरा होता है स्पेशल काउज ऑफ वेरिएशन। यानी कि प्रोसेस में केवल कॉमन काउज ऑफ वेरिएशन यदि प्रजेंट है उसी पार्ट को आप लीजिए। दोस्तों यहाँ पर कॉमन काउज ऑफ वेरिएशन और स्पेशल काउज ऑफ वेरिएशन को हमने SPC वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, आप उसे जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों हम अब कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे पहले कोई भी डायमेंशन अगर आप ले रहे हैं, डाटा लेने जा रहे हैं, तो आप ऊपर में किसी भी डाटा का पूरा डिटेल होना जरूरी है, जैसे कि पार्ट नेम, पार्ट नंबर, गेज का नाम, कैरेक्टरिस्टिक क्या चेक करने जा रहे हैं, नॉमिनल यानी कि उसका टॉलरेंस क्या है, कस्टमर कौन है, डेट क्या है, परफॉर्म बाई किसने परफॉर्म किया है। यहाँ पर हमने पार्ट नंबर ABC लिखा, आप जो भी पार्ट का नाम है लिखिए, पार्ट नंबर हमने 1, 2, 3, 4, 5 लिखा, आप जो भी पार्ट नंबर है लिखिए, गेज का नाम लिखिए यानी कि हाइट गेज से यूज करने जा रहे हैं या वर्नियर है या माइक्रोमीटर है, जो भी है यहाँ नाम लिखिए, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यानी कि आपने डाया चेक करने जा रहे हैं या लेंथ चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं उसका यहाँ पर लिखिए, और यहाँ नॉमिनल जो कि उसका टॉलरेंस जो है उसका यहाँ लिखिए, कहाँ से ये हमने लिखा है 4.5 से लेकर के 5 एम के एमएम अंदर होना चाहिए, और कस्टमर हमने XYZ लिखा है, आप जो भी कस्टमर आपका है वहाँ लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 3 ऑपरेटर हमने लिया है, अप्रेजर ए, अप्रेजर बी, अप्रेजर सी। आप अप्रेजर ABC के जगह पर कोई भी ऑपरेटर का नाम यहाँ लिखिए, जो भी आपके पास ऑपरेटर है जिसे आप चेक कराने जा रहे हैं उसका नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमने 10 पार्ट का हमने सबसे पहले अप्रेजर ए से डायमेंशन चेक करना शुरू किए, वह पहला पार्ट को जब हमने रेंडम स्थिति में हम रेंडम ऑर्डर में दिए तो जो 3 बार उन्हें डायमेंशन चेक किया है वह 4.76 और 4.76, मतलब कि पार्ट नंबर 1 का जब 3 बार वो चेक किया रेंडम ऑर्डर में तो वह 3 वैल्यू बताया। इस तरह से दूसरा का 3 बार में वैल्यू किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से वह वैल्यू लिया 10वें पार्ट का। सेम इसी तरह से अप्रेजर बी भी इसी सेम पार्ट को 3-3 बार चेक करके रीडिंग आपको बताया, और इस तरह से अप्रेजर सी भी सेम पार्ट को 3-3 बार करके रीडिंग आपको बताया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पार्ट 1 है इसका जो डायमेंशन मिला है उसका हम एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज निकाले और इसका एवरेज होगा आपका 4.757। इसी तरह से सेकेंड वाला का भी हम यहाँ पर एवरेज निकाले और ये लिख सकते 1, 2, 3, 4, 5 सब का एवरेज निकालते गए और सब का यहाँ वैल्यू लिखते गए। देखिए वैल्यू हमने लिखा है और लिखने के बाद इसका जिसे हम एक्स ए के नाम से डिनोट करें, चूंकि अप्रेजर ए है इसलिए हमने एक्स ए लिखा है, और इसका जो डायमेंशन हमने एवरेज लिया है, इस एवरेज का एवरेज हमने निकाला है जिसे हम एक्स ए बार करते हैं और यह निकल के आया है 4.741। और इसका रेंज हम निकालते हैं, रेंज किसे कहते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। यहाँ पर जो ए पार्ट 1 का जो मैक्सिमम वैल्यू 4.76 है और मिनिमम 4.75 है, इस तरह से इसका मैक्सिमम माइनस मिनिमम और यहाँ पर वैल्यू हमने लिख दिया। इसी तरह से इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकाल कर रेंज लिखा, इसका निकाला और इस तरह से सभी का रेंज हमने लिख दिया, और इस रेंज को जो हमने लिखा इसका हमने एवरेज निकालने के बाद यहाँ आर ए बार निकाल करके यहाँ पर एवरेज लिख दिया। तो दोस्तों यह रहा इसका ए का सभी एक्स ए और रेंज। उसी तरह से बी का भी हमने आप देखिए यहाँ पर
एवरेज निकाला है और इस एवरेज का भी एवरेज हमने निकाल करके एक्स बी बार लिखा है 4.733 और रेंज जो निकाला है इसका 0.0 है, इसका 0.0 है, इसका इसका मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो है 0.030 है। इस तरह से इसका हमने एवरेज निकाला आर बी बार इक्वल टू 0.008। इसी तरह से सी का भी आप यहाँ निकालिए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन शुरू होता है कि पार्ट का अब निकालेंगे एक्सपी बार क्या होता है। दोस्तों एक्चुअली हम सब ये वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे इक्विपमेंट वेरिएशन, पार्ट वेरिएशन, आर एंड आर सभी का वैल्यू वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, इसलिए हम निकालने जा रहे हैं। अब आइए यहाँ पर निकालते हैं एक्सपी बार का। एक्सपी बार क्या होता है, एवरेज एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी का हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं। एक्स ए क्या है, एक्स ए यहाँ पर 4.757 और यहाँ पर एक्स बी क्या है 4.720 और यहाँ पर एक्स सी क्या है 4.747 और इसका जब तीनों का हम एवरेज यहाँ लिखे, सेम इसी तरह से इसका इसका और इसका एवरेज यहाँ लिखे और इस तरह से लिखते गए और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लिखते गए और इसका हमने एवरेज फिर निकाला जिसे हम एक्स पी डबल बार करते हैं और यह कैलकुलेशन होके आया 4.7362। यहाँ पर फिर हम आर पी निकालेंगे। आर पी क्या होता है, मैक्सिमम एक्स पी माइनस मिनिमम एक्स पी। यहाँ पर मैक्सिमम एक्स पी क्या है 4.887 है, यहाँ हमने लिख दिया और मिनिमम एक्स पी क्या है, मिनिमम है 4.650। आप चेक कर लीजिए या मैक्सिमम माइनस मिनिमम हम लिखते हैं और इसका वैल्यू निकल के आया 0.237। अब और यहाँ पर हम निकालेंगे आर बार। आर बार क्या होता है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का एवरेज निकालने के बाद हम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ अपरेजर से करते हैं। यहाँ पर आर ए कितना है, आर ए है आपका 0.014 और आर बी कितना है, आर बी बार है आपका 0.008 और आर सी कितना है, आर सी है आपका 0.009। तीनों को आप प्लस कीजिए और नंबर ऑफ अपरेजर यानी कि तीन है उसे डिवाइड कीजिए और यह कैलकुलेशन होकर के आता है 0.01033। यह हो गया आर बार का वैल्यू। अब आइए एक और लास्ट निकालना रह गया, यह है एक्स डिफरेंस बार। यहाँ पर मैक्सिमम एक्स ए बार, एक्स बी बार और एक्स सी बार और माइनस ऑफ एक्स ए बार, एक्स बी बार और एक्स सी बार। यहाँ पर मैक्सिमम जो है एक्स ए बार कौन सा है आपका, होगा 4.741 और आपका जो मिनिमम जो है 4.733 है। आप देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर ये है 4.741 और मिनिमम जो है 4.733। इसमें हम माइनस करने के बाद यह वैल्यू निकल के आया 0.008। ये हो गया आपका एक्स डिफरेंस बार। दोस्तों हमने जो वैल्यू निकाला वह एक है एक्स आर बार जो यह वैल्यू आया, एक्स डिफरेंस बार जो वैल्यू ये 0.008 और आर पी का वैल्यू आया 0.237। अब हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले नंबर वन रिपीटेबिलिटी, जिसे हम इक्विपमेंट वेरिएशन भी कहते हैं, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं ईवी से। ईवी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आर बार इंटू के वन। आर बार का वैल्यू यहाँ से लीजिए 0.01033 जो ऑलरेडी हमने निकाला था और K1 का वैल्यू जो है इस डाटा से लेंगे कि यदि ट्रायल दो है तो 4.56 लेंगे, यदि ट्रायल तीन है तो 3.05 लेंगे। यहाँ पर हमने पार्ट का तीन बार ट्रायल किया है इसलिए 3.05 लिया है और इस तरह से वैल्यू EV का जो है इक्विपमेंट वेरिएशन निकल के आया 0.0315। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी अपरेजर वेरिएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं AV। AV इक्वल टू का जो फार्मूला होता है वह अंडर रूट, टोटल अंडर रूट एक्स डिफरेंस बार इंटू K2 का स्क्वायर माइनस EV स्क्वायर डिवाइडेड बाई NR। यह हुआ फार्मूला। अब इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, एक्स डिफरेंस बार का वैल्यू हमने यहाँ से लिया है 0.008 ये देखिए और इंटू K2 का वैल्यू हमने इस डाटा से लेंगे। यह डाटा यह कहता है कि यदि अपरेजर दो है तो 3.65 लीजिए, यदि आपने अपरेजर तीन लिया है तो आप 2.7 लीजिए
और इस तरह से हमने यहाँ पे अप्रेजर 3 लिया था, इसलिए 2.7 रखा हमने K2 का वैल्यू। यहाँ पर देखिए 2.7 हमने लिया है और इसका स्क्वायर कर दिया और इसका हमने फिर ईवी यहाँ से आ गया, ईवी का स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर NR क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट 10 है और अप्रेजर 3 है। ये इसे जब हम वैल्यू रख करके इसका कैलकुलेशन करते हैं, आप करके देखिए, ये आएगा वैल्यू 0.020, यह आ गया आपका रिपीटेबिलिटी यानी एवी का वैल्यू। अब आइए दोस्तों, जिसका इंतजार था वो हम निकालने जा रहे हैं, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी R&R। R&R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ईवी स्क्वायर प्लस एवी स्क्वायर। ईवी क्या है, ईवी आपका यहाँ से मिल गया 0.0315, देखिए यहाँ लिखा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। एवी यहाँ से मिला, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका वैल्यू निकल के आया 0.037। और यहाँ पर अब आइए हम पार्ट वेरिएशन निकालते हैं। पार्ट वेरिएशन जिसे हम पीवी से डोनेट कर रहे हैं, पीवी इक्वल टू फार्मूला होता है आरपी इंटू K3। आरपी का वैल्यू देखिए यहाँ से है 0.237 और यहाँ पर K3 का यदि पार्ट 10 है तो K3 का वैल्यू 1.62, जो कि हमने K3 का वैल्यू 1.62 लिया और पीवी का जो है पार्ट वेरिएशन है 0.383 निकल के आया। सेम इसी तरह से हम अब निकालेंगे टोटल वेरिएशन जिसको टीवी कहते हैं। टीवी बराबर होता है जो फॉर्मूला है R&R स्क्वायर प्लस पीवी स्क्वायर का अंडर रूट। और यहाँ पर हम R&R का वैल्यू कहाँ से आया, ये देखिए 0.037 लिखा और हमने यहाँ पर 0.383 ये पीवी का है जो कि आपको यहाँ से मिला और इसका हम कैलकुलेशन किए तो यह निकल के आया 0.385। तो ये आपका सभी का यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल लिया। अब दोस्तों अब एक्चुअली क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं परसेंटेज के रूप में, किसके रेस्पेक्ट में, टोटल वेरिएशन के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे कि इक्विपमेंट वेरिएशन कितने परसेंट है और अप्रेजर वेरिएशन कितना परसेंट है, R&R का वैल्यू कितना परसेंट है और पीवी का कितना परसेंट है। यहाँ पर हमने वैल्यू जो मिला है इसके पिछले वाला स्लाइड में वह है ईवी बराबर 0.0315, एवी बराबर मिला है 0.020, R&R का वैल्यू मिला है 0.037, पीवी यानी पार्ट वेरिएशन मिला है 0.383 और टीवी का जो वैल्यू निकला है 0.385, ये निकल के आया है यह वैल्यू। आइए अब हम इसमें परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे इक्विपमेंट वेरिएशन का। इक्विपमेंट वेरिएशन का परसेंटेज निकालने के लिए टोटल वेरिएशन के रेस्पेक्ट में जिसका भी परसेंटेज निकालेंगे उसको ऊपर में लिखते हैं, यानी कि ईवी डिवाइडेड बाई टीवी और मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसका वैल्यू रखिए और ये बन करके आ रहा है 8.16%, यानी कि इक्विपमेंट वेरिएशन का वैल्यू आया 8.16%। आइए अब एवी का कितना हुआ, एवी बराबर एवी परसेंटेज में निकालेंगे तो एवी डिवाइडेड बाई टीवी मल्टीप्लाई बाई 100 और इसका वैल्यू अगर हम रखेंगे एवी और टीवी का और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.16% निकल रहा है अप्रेजर वेरिएशन का। और तीसरा जो है R&R का वैल्यू हम जब निकालेंगे तो R&R डिवाइडेड बाई टीवी और मल्टीप्लाई बाई 100 और इस तरह से वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू आया 9.66%। और यहाँ पर पार्ट वेरिएशन पीवी निकालेंगे, पीवी डिवाइडेड बाई टीवी और मल्टीप्लाई बाई 100 और इस तरह से वैल्यू इसका निकल के आया 99.53%। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा R&R वैल्यू निकल के आया है 9.66%। आइए देखते हैं कि एक्सेप्टेंस क्रिटेरिया होता क्या है। जैसा कि हमने पहले पिछले वीडियो में MSA में भी बताया था कि यदि आपका R&R का वैल्यू जो है अंडर 10 आ रहा है तो गेज एक्सेप्टेबल है। यदि आप दूसरा कंडीशन है कि यदि 10 और 30 के बीच में परसेंटेज आ रहा है तो मे बी एक्सेप्टेबल बेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, कॉस्ट ऑफ द गेजेस इत्यादि। और तीसरा चीज है, यदि आपका परसेंटेज R&R का वैल्यू 30 से ऊपर आ रहा है तो गेज नॉट एक्सेप्टेबल एंड मेजरमेंट सिस्टम नीड्स टू इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर देखिए हमारा जो है R का वैल्यू जो आया है वह आया है 9.66%। तो यहाँ पे हमारा इजीली यह अंडर 10 के अंदर है और यह इक्विपमेंट जो है एक्सेप्टेबल है। दोस्तों यह वीडियो हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया। आशा करता हूँ कि आज के बाद आपको कोई ऐसा डाउट नहीं रह गया होगा कि जो MSA के बारे में आपको दोबारा कहीं पूछने कहीं जाने की जरूरत पड़े। आप
मेरे इस वीडियो को आप स्टार्ट कीजिए और प्रैक्टिकली कर करके जो जो हमने स्टेप बताया है उसके अनुसार आप कैलकुलेशन कीजिए। आशा करता हूं कि आपका टोटल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा इस वीडियो के देखने के बाद। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और नए यदि आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन यदि आप नहीं दबाएंगे तो आपका जो भी हमारा वीडियो नया अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी